हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू रेस आईएएस। तो आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि यूपीएससी 2024 की प्रिपरेशन कैसे स्टार्ट करी जाए। आज के वीडियो में मैं आपको चार बहुत ही इजी और सिंपल स्टेप्स बताऊंगी जिनको फॉलो करके आप अपनी यूपीएससी 2024 की प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखो, फर्स्टली तो क्या होता है ना कि जब आप ये सोचें कि यू वांट टू प्रिपेयर फॉर यूपीएससी और फॉर से यूपीएससी 2024, तो सबसे पहले आपको यूपीएससी के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर देखने हैं। अब ये बहुत क्लीशे मैं साउंड कर रही हूँ, लेकिन क्या करें, यही रियलिटी। आपको सबसे पहले यूपीएससी के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर देखने हैं। उनको देख के घबराना नहीं है, क्योंकि एक नॉर्मल जो इंसान होता है जिसने कभी प्रिपेयर नहीं किया, उसे कुछ नहीं पता इस बारे में, तो उसे समझ में कुछ भी नहीं आएगा। या हर किसी के साथ होता है, लेकिन आपको देखने इसलिए ज़रूरी है ताकि आपको पता चल पाए कि यूपीएससी में किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्या लेवल रहता है, और यू नो, आपको एक जनरल आइडिया हो पाएगा यूपीएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देख के। तो फर्स्ट स्टेप तो ये है कि आपको यूपीएससी के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर देखने हैं, और ये ट्राई नहीं करना है कि आपको उन्हें सॉल्व करना है। आप नहीं सॉल्व कर पाओगे, आपको आंसर देना तो दूर की बात है, आपको क्वेश्चन भी नहीं समझ में आएंगे, एंड दैट इज वेरी नॉर्मल, ठीक है। सेकेंडली आपको क्या करना है, जब आप क्वेश्चन पेपर देख ले तो आपको यूपीएससी का सिलेबस देखना है, ठीक है। बहुत सारे एस्पिरेंट्स ये गलती करते हैं कि वो यूपीएससी का सिलेबस ही नहीं देखते हैं। अगर आप सिलेबस नहीं देखोगे तो आप इररिलेवेंट चीज़ें पढ़ने लग जाओगे, आपको पता ही नहीं चलेगा कि आपको क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, क्योंकि ऑलरेडी यूपीएससी का जो कोर्स होता है वो बहुत ज़्यादा है। उसमें भी अगर आप इररिलेवेंट चीज़ें पढ़ने लग जाओ तो वो चीज़ काफ़ी आपके लिए नेगेटिव चली जाएगी। तो आपको सेकेंडली यूपीएससी का सिलेबस देखना है अच्छी तरीके से, टाइम देके सिलेबस देखना है। ये नहीं कि चलो सिलेबस देख लिया, नाम के लिए हो गया, वो नहीं करना है। सिलेबस देखने में, उसको समझने में आपको अच्छा खासा टाइम इन्वेस्ट करना है, तभी आपको पता चल पाएगा कि क्या चीज़ें आपके लिए रेलेवेंट हैं, कि आपको पढ़ना है कि आपको नहीं पढ़ना है, ठीक है। तीसरी चीज़ मैं ये कहूँगी कि आपको जब आपने यूपीएससी के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर देख लिए, सिलेबस देख लिए, तो अब आप रेडी है अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट करने के लिए। और वो प्रिपरेशन आपको कैसे स्टार्ट करनी है, आपको ये बात ध्यान रखनी है कि आपको 10 जगह से पीडीएफ, नोट्स, बुक, सारी चीज़ें इकट्ठा पहले नहीं करने लग जानी है। आपको अपनी प्रिपरेशन ट्राई करना है कि एनसीईआरटी और न्यूज़पेपर से स्टार्ट करनी है, ठीक है। देखो, एनसीईआरटी इसलिए पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि स्कूल में हमारे जो बेसिक्स होते हैं वो इतने ज़्यादा क्लियर नहीं होते, इसलिए आपको अपनी प्रिपरेशन एनसीईआरटी से स्टार्ट करनी है। पहले आपको अपने बेसिक्स स्ट्रांग करने हैं, क्योंकि अगर बेस स्ट्रांग होगा, फाउंडेशन स्ट्रांग होगा, तभी तो बिल्डिंग स्ट्रांग बन पाएगी ना। तो आपको अपनी प्रिपरेशन एनसीईआरटी से स्टार्ट करनी है। इसी के साथ साथ आपको न्यूज़पेपर पढ़ने की भी आदत डालनी है। इन दो चीज़ों से आपको प्रिपरेशन अपनी स्टार्ट करनी है। न्यूज़पेपर का देखो, ये जब आप स्टार्टिंग में पढ़ना स्टार्ट करेंगे तो आपको लगेगा कि बहुत ज़्यादा न्यूज़पेपर पढ़ने में टाइम वेस्ट हमारा हो रहा है, 2-3 घंटे जा रहा है, समझ में कुछ नहीं आ रहा है। वो बहुत ही नॉर्मल बात है, वो नहीं होगा इतनी जल्दी, और लेकिन फिर भी आपको न्यूज़पेपर पढ़ने की आदत डालनी है। करंट अफेयर्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है आज की डेट में, वो कहाँ से होगा, वो न्यूज़पेपर से होगा, ठीक है। और फोर्थ एंड लास्ट पॉइंट है कि जब आप न्यूज़पेपर और एनसीईआरटी से अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दें और आपको लगे कि आपने एनसीईआरटी पढ़ ली हैं, कंप्लीट हो गई हैं, तो यू कैन स्विच टू द स्टैंडर्ड बुक्स, ठीक है। ये चार इजी स्टेप्स हैं जिनको फॉलो करके आप अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हो। बहुत ही सिंपल बिगिनर्स टाइप की वीडियो थी उन लोगों के लिए जिन्होंने कभी भी यूपीएससी की प्रिपरेशन नहीं करी है, एग्जाम नहीं दिया है, वो बहुत यू नो न्यू है इस फील्ड में। So that's it for today's video. I hope you guys are doing well. Till then, stay tuned on our channel.